दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम ने रौंदा बांग्लादेश तो अपना आपा खो बैठे श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा। रोहित पांड्या के बिना ही भारतीय टीम ने हासिल की है असंभव से जीत, जिसे कुमार संगकारा बर्दाश्त नहीं कर पाए और आगामी श्रीलंका सीरीज से पहले उन्होंने भारतीय टीम को खुली धमकी देते हुए जो कड़वी बातें कही हैं उन्हें सुनकर सच में आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर क्या कुछ कहा है कुमार संगकारा ने, उनके विवादित बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से किसे होना चाहिए भारत का कप्तान? अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम के 2022 का सफर बांग्लादेश के खिलाफ शानदार टेस्ट सीरीज जीत से खत्म हुआ है, जहां हमने बांग्लादेश को 2-0 से सुपड़ा साफ कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगभग अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। और इस सीरीज में कई हीरोज उभर कर सामने आए हैं। कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अक्षर पटेल, उमेश यादव, अधिकांश सभी खिलाड़ियों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद बीसीसीआई ने नए साल के शुभारंभ से पहले ही पूरे साल के भारतीय टीम के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें, साल की शुरुआत में ही एशिया चैंपियन श्रीलंका हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही है, जो हमें कड़ी चुनौती देगी। उनके खिलाफ भारतीय टीम को 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है, जो भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें बीसीसीआई कई बड़े बदलावों के साथ उतरने की तैयारी में है, जहां हमें नए कप्तान के साथ साथ राहुल और पंत की पोजीशन पर कई बड़े बदलाव देख सकते हैं। तो रोहित शर्मा की जगह किसी नए कप्तान की भी एंट्री हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला 3 जनवरी को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सब के बीच श्रीलंकाई दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा ने भारत दौरे से पहले ही विवादों को चिंगारी दे दी है, जिसमें उनका एक बयान जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, खबरों की माने तो कुमार संगकारा ने अपने एक बयान में बताया कि इंडिया और बांग्लादेश का कोई मुकाबला नहीं है। उसके बाद भी यदि उन्हें जीत हासिल करने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा तो निश्चित ही परेशानियां हैं। वहीं बात की जाए श्रीलंकाई टीम की तो ये पूरी नई टीम है। हमने एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है, जहां इंडिया और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमें तो निश्चित है श्रीलंका इंडिया को बहुत कड़ी चुनौती देगी। केवल इतना ही नहीं, हम बड़ी आसानी से वहां T20 के साथ साथ वनडे सीरीज में भी कब्जा जमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बताया है कि हम टीम में कोई भी नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं। और वैसे भी भारतीय टीम जिस तरह से डाउनफॉल में जा रहा है, हमें नहीं लगता कि हमें जीत हासिल करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम T20 और वनडे सीरीज में टीम इंडिया को क्लीन स्वीप कर सकते हैं और हम ऐसा करेंगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, 3 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।